हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो देखिए, आज ये मैंने थोड़े थोड़े से कितने सारे कलर उठा लिए हैं, और आज जो हम डिजाइन बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे मल्टी कलर से। ये देखिए, मैंने 4 कलर लिए हैं। आप चाहे तो इसमें और भी कलर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ये फिलहाल 4 ही कलर लिए हैं। ये मैं बेस कलर रखूंगी अपना, और ऊपर ये 3 कलर लगाऊंगी। इसमें आप कितने भी कलर लगा सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। बोले मल्टी कलर है तो बहुत सारे कलर हम इसमें यूज कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा आज हम डिजाइन बनाने वाले हैं। तो देखिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये पैटर्न बना के तैयार किया है। ये देखिए, अभी मैं आपको इसके ऊपर ही जस्ट डाल करके दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे तैयार किया है। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने ये जो क्रीम कलर है उससे अपना बेस बनाया है, बॉर्डर बनाया है, और फिर यहाँ पे ये 12 के मल्टीपल में इसमें हमारे फंदे होंगे, मतलब 6x6 का ये हमारा जो है डिजाइन है, और 6 रो में ये हमारा डिजाइन जो है बॉक्स बनकर कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट बॉक्स तैयार हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट हो जाएगा। तो आप इसमें 12 के मल्टीपल में ही फंदे ले, जो आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाए उसमें। तो देखिए, मेरे ये 3 प्रोजेक्ट जो है, सॉरी 3 इसमें ये कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको बताएंगे कि हमने ये स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट किया है, क्योंकि ये हर बार ऐसे ही स्टार्टिंग से ही जैसे हमने स्टार्ट किया था, एक बार आप डाल लोगे तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए, अभी जैसे मैंने नीचे से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, ऐसे ही मैं आपको ये अब बताऊंगी। ये मेरा बॉक्स जो है पूरा हो गया। अभी हमारा यहाँ से नेक्स्ट, जैसे ही हमने पिंक से ये ग्रीन ऊपर स्टार्ट हुआ है, अब ऐसे ही हमारा फिर से स्टार्ट होगा। तो हम अभी कौन सा कलर लेते हैं, पिंक वाला ही ले लेते हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, यहाँ पे जैसे हमने 6 फंदे अपने ग्रीन से बनाए थे, ऐसे हम अब यहाँ पे 6 फंदे जो है स्टार्टिंग में पिंक से बना लेंगे। 2, 4, 6 हमने 6 फंदे पिंक से बना लिए हैं। अब पिंक के बाद जो हमारा बेस कलर है वो लगाएंगे, 6 फंदे फिर हम अपने बेस कलर से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये देखिए, 6, 2 हमारे ये थे और 4 हमने इधर से लिए हैं, 6 हो गए। अब हमारे 2 फंदे ग्रीन वाले बचते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा पैटर्न स्टार्ट हुआ है यहाँ पे ये डिजाइन, क्योंकि एक डब्बी से दूसरी डब्बी को हमें ज्वाइंट करके चलना है। तो अब हम यहाँ पे फिर से 6 फंदे जो है पिंक कलर से बनाएंगे। अब हम 6 फंदे जो है पिंक कलर से बना लेते हैं। ये 3, 4, 5 और 6 6 फंदे हमारे पिंक कलर से बन गए। फिर से हमारे क्रीम कलर के 6 फंदे बनेंगे। जैसे हमने अपनी फर्स्ट रो बनाई थी उसमें हमने ग्रीन से बनाया था, क्योंकि मैंने नीचे पैटर्न, ऐसे हमें 6x6 का 12 का ये लेकर चलना है। अपना फर्स्ट रो में हमें 6 हमारे बेस कलर से बनेंगे, और 6 जो हम कलर लगा रहे हैं अदर उससे बनेंगे। देखिए, पहले 6 पिंक से बने, फिर क्रीम से बने, फिर पिंक से, फिर क्रीम से, अब फिर हमारे 6 पिंक से बनेंगे। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। ये देखिए, 2, 3, 4, 5 और 6 6 बन गए। फिर अब हमारे आते हैं, 6 फंदे बन गए हैं, फिर से हमारा क्रीम कलर लगेगा। 6 फंदे हम इससे बनाएंगे, 3, 2, 3, 4, 5 और 6 6 फंदे हमारे बन गए। अब फिर से आ जाती है हमारी टर्न पिंक कलर की। और जब आप ये बनाओगे ना डिजाइन, बना एक बॉक्स बना लोगे तो ऊपर आपका ये डिजाइन आराम से बन जाएगा, और आपको समझ भी आ जाएगा कि हमें ये कैसे लेके चलना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे 6 फंदे बन गए पिंक वाले। अब हमारे पास 3 फंदे बचे। अब देखिए, सेकंड रो में जो हमारे फंदे जैसे हैं, पहला तो हम एजिट उतार लेंगे, सेकंड को उल्टा बनाएंगे, जो जिस कलर के हैं वो उसी से बनेंगे। सेकंड रो में ये हमने क्रीम से बनाए, अब आती है हमारी पिंक की टर्न। ये हमारे पिंक से बनेंगे, पिंक वाले फंदे पिंक से बनेंगे, और क्रीम वाले हमारे क्रीम से बन देंगे, सारे बनेंगे उल्टे उल्टे। अब हमारे क्रीम वाले आ जाते हैं। ये देखिए, अब हम ये बना करके पूरे करते हैं अपने पूरी रो। सेकंड रो हमारी ऐसे ही बैक साइड से उल्टी उल्टी आएगी, क्रीम वाले फंदे क्रीम से और पिंक वाले जो है पिंक से बन करके कंप्लीट होंगे। ये हम बना करके पूरा कर लेते हैं। ये देखिए, अब आ जाती है हमारी थर्ड रो। थर्ड रो में हमें थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए, पहले फर्स्ट जो तो फंदे हैं हमारे, एक हमने एजिट उतार लिया और एक को हमने पिंक से बना लिया। अब जो ये दो बीच वाले फंदे हैं पिंक कलर वाले, उनको हम क्रीम कलर से बनाएंगे।
देखिए अपने बेस कलर से दो फंदे बीच वाले पिंक जो हमारे सिक्स है उसमें से दो बीच वाले हमारे क्रीम से बनेंगे और लेफ्ट राइट के पिंक फंदे दोनों साइड के हमारे पिंक ही बनेंगे। ये बना दी देखिए ऐसे। अब जो व्हाइट वाले हैं क्रीम वाले हैं सॉरी वो हमारे क्रीम से ही बनेंगे। ये हमारे पैटर्न की थर्ड रो है। थर्ड रो में सिर्फ हमें हल्का सा चेंज ये करना है कि जो हमारे पिंक कलर के फंदे हैं वो हमें बीच वाले दो फंदे अपने बेस कलर से बनाने हैं, बाकी हमारे जो है पिंक ही बनेंगे। फोर फंदे टू फर्स्ट के और टू लास्ट के। ये देखिए जैसे हमने टू ये बीच के बनाए हैं क्रीम से तो ऐसे ही हमें ये अपनी थर्ड रो बना करके कम्प्लीट करनी है अपनी। चलिए अभी इसको हम बना करके पूरा करते हैं आपको दिखाते हैं फिर। अब देखिए आती है हमारी फोर्थ रो। फोर्थ रो भी सेम ऐसे ही बनेगी जैसे हमने अपनी थर्ड रो बनाई है। देखिए ये हमारा फर्स्ट उतार लेते हैं क्रीम से बनाएंगे। दो फंदे हमारे फिर पिंक से बनेंगे ये जो हमारे स्टार्टिंग के हैं पिंक से बने दो फंदे। अब ये देखिए बीच वाले फंदे जो हमने क्रीम कलर से बना रखे हैं वो हम ऐसे ही क्रीम कलर से ही बनाएंगे। बैक साइड से भी फोर्थ रो चल रही है ये हमारी और टू फंदे जो हमारे लास्ट के बचे वो हम पिंक से बनाएंगे। ऐसे ही हमने थर्ड रो में बनाया था सेम वैसे ही हमें फोर्थ रो बनानी है अपनी और बाकी सिक्स फंदे क्रीम के हैं वो हम जो अपने बेस कलर से ही बनाएंगे क्रीम कलर से। ये देखिए अब फिर से हमारे पिंक वाले फंदे आ गए। टू फंदे बनाएंगे हम पिंक से फिर टू फंदे बेस कलर से बनेंगे हमारे फिर टू फंदे पिंक कलर से बनेंगे। सेम जैसे हमने थर्ड रो बनाई ऐसे ही हमें उल्टी उल्टी ये अपनी फोर्थ रो भी उल्टी बैक साइड से उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट करनी है। सिक्स फंदे हमारे जो बेस कलर के हैं वो बेस से बनेंगे और टू फंदे जो पिंक वाले हैं बीच वाले वो भी हमारे क्रीम कलर से बनेंगे यानी कि बेस कलर से बनेंगे। तो इस रो को हमें फोर्थ को ऐसे ही बना करके ये देखिए फिर से आ गई है। अब हमारी आ गई है फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में हमें क्या करना है पहला फंदा उतार लिया पिंक से बनाया। अब जो ये क्रीम वाले फंदे हमने बीच वाले बनाए थे ये भी अब हमें पिंक से ही बना लेने हैं अपने इनको फिफ्थ रो में। ये हमारी है फिफ्थ रो। फिफ्थ रो में ये हमें सिक्स के सिक्स हमारे फिर से पिंक हो जाएंगे और फिर ये व्हाइट वाले चलेंगे व्हाइट सिक्स फंदे। फिफ्थ रो में ध्यान करें जो हमने बीच में बेस कलर से बनाए थे अब हमारे सारे पिंक वाले ही बनेंगे। ये हमारी फिफ्थ रो है वही सिक्स बाय सिक्स का आ जाएगा जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड रो बनाई थी अपनी। अब हमारी फिफ्थ रो भी सेम ऐसे ही बनेगी। ये देखिए अब आती है हमारी सिक्स रो और हमारी डिजाइन की ये लास्ट रो बनेगी। अब जैसे हमने फिफ्थ रो बनाई सिक्स हमारी पिंक सिक्स ग्रीन सॉरी ये व्हाइट बेस कलर से ऐसे ही हमारी सिक्स रो बन करके कम्प्लीट होगी। सिक्स रो भी सेम फाइव की तरह ही बस वो सीधी साइड से बनाई थी और ये उल्टी साइड से हमारी बन रही है। अब फिर जो नेक्स्ट रो आएगी सीधी साइड से धागा हमारा उधर ही है तो फिर से हमारा जो है नेक्स्ट पैटर्न वो चेंज होगा वो भी मैं आपको एक बार और डाल करके बताऊंगी जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए। पहले जो हमारी ये सिक्स रो है बैक साइड से इसको हम उल्टा उल्टा बना करके कम्प्लीट कर लेते हैं। सिक्स बाय सिक्स का ही हमारा इसमें ये चल रहा है। सिक्स पिंक बनेंगे सिक्स हमारे बेस कलर से आएंगे। तो चलिए अभी हम अपनी ये सिक्स रो जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए सिक्स रो हमारी जो है पैटर्न की पूरी कंप्लीट हो गई है और हमारा बॉक्स भी पूरा जो है ये कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने नीचे बॉक्स ऐसे बनाया ऐसे ही हमारा पिंक वाला बन गया। अब पिंक के ऊपर हम ये वाला ग्रीन लगाएंगे। चलो मैं आपको एक बार बना करके लगा करके ये दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है नेक्स्ट पैटर्न। अब देखिए जब हमारा यहाँ से पिंक वाला है अब जो नेक्स्ट हमारा ऊपर इसके ऊपर बनाएंगे तो वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। कहाँ से यहाँ से ये टू फंदे हमें उस ग्रीन कलर के इसके बनाएंगे ये वाले और जो ये फोर फंदे हमारे स्टार्टिंग के हैं अब ये हमारे बेस कलर से बनेंगे यानी कि क्रीम कलर से बनेंगे। तो चलिए हम ये वाला भी आपको एक बार फिर से डाल करके दूसरा पैटर्न दिखा देते हैं कलर को दूसरा एड करके एक बार। देखिए यहाँ से अब हमारे ये फोर फंदे पहले हम क्रीम कलर के बना लेते हैं अपने। अब हम ये टू फंदे देखिए जैसे यहाँ से हमारा ये टू फंदे इसके ऊपर ही यहीं से इससे स्टार्ट होता है डिजाइन। तो अब हमारा ग्रीन कलर हम जो है लगाएंगे इसमें ये वाला ये नीचे वाला। ये हम बनाएंगे सिक्स फंदे अपने। ये देखिए अब हमारे ये सिक्स फंदे बन गए हैं। अब फोर ये टू इसके आ गए और फोर इस पिंक कलर के ये बनाएंगे हम अपने बेस कलर से।
जब हम ये डिजाइन बनाएंगे तो हमें खुद से ऐसे बल्कि अपने आप ही समझ आता चला जाएगा कि कैसे हमें कहाँ पे क्या ऐसे बनानी है, अपने आप ही सेट होता चला जाएगा हमारा पैटर्न। देखिए अब सिक्स हो गए, सिक्स ये प्रीम हो गए, अब फिर से सिक्स हमारे ग्रीन आ जाएंगे, ग्रीन वाली फंदी। अब ये तो हमारी जो एट रो आती है ये तो सेम ऐसी बनेगी जैसे हमने अपनी सेकंड रो बनाई थी, जो हमारे जिस कलर के फंदे हैं बस उल्टे उल्टे बनाने हैं हमें उसी कलर से, ग्रीन वाले ग्रीन से बनेंगे और जो क्रीम वाले हैं वो क्रीम से बनेंगे। क्रीम वाले क्रीम से बनाएंगे, देखिए अब आती है हमारी नाइन्थ रो यानी कि थर्ड रो। जैसे हमने थर्ड रो बनाई थी, ये जो हमारे ग्रीन फंदे हैं सिक्स, इसमें से हमें ये टू फंदे जो है हमारे बीच वाले ये बेस कलर से बनाने हैं। ऐसे ही हमारी थर्ड रो आएगी बैक साइड, सॉरी सीधी राइट साइड से बीच वाले बनेंगे बेस कलर से, और फिर फोर्थ भी हमारी सेम ऐसी ही आएगी। एक बार आप ये पैटर्न जरूर ट्राई कीजिएगा, डिजाइन बनकर बहुत ही सुंदर लगेगा और आप सब इसको आसानी से डाल भी लेंगे। ये देखिए अब ये हम दो फंदे जो हैं वो व्हाइट से बनाएंगे बेस कलर से अपने, ऐसी ये हमारी पूरी रो बनकर कंप्लीट होगी। और फिर नेक्स्ट जब हम बैक साइड से आएंगे नेक्स्ट रो में भी ये हमारे ऐसे राजिट ऐसे ही बनेंगे जैसे अब हम इस वाली रो में ये बना रहे हैं। चलिए मैं ये वाला पैटर्न भी आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए ये हमारी थर्ड फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई, फिफ्थ भी कंप्लीट हो गई, फिर से ग्रीन बन गई ये, और सिक्स में भी यही आएगा। फिर जब नेक्स्ट सेवन्थ रो आएगी तो फिर से हमारा जो है ये डब्बी चेंज होगी। और जो ये दो फंदे हैं पहले हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से ये देखिए यहाँ पे हमारे सिक्स ये वाले जो फंदे हैं हमारे यहाँ से हमारी डब्बी स्टार्ट होगी, उससे पहले सिक्स टू फोर सिक्स ये हमारे बेस कलर से आएंगे और ये टू फंदे हमारे जो है इस वाले ग्रीन कलर से आएंगे। तो हमें बस थोड़ा सा डिब्बी का यही ध्यान रखना है कि यही हमें देख लेना चाहिए कि हमें डब्बी के यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करनी है, फर्स्ट डब्बी अपनी ऐसे स्टार्ट होगी ये, थोड़ा सा यही ध्यान रखना है। और बहुत ही सुंदर ये हमारे बॉक्सेस से बनकर आएंगे। आई होप आप सबको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, डिजाइन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, डिजाइन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सबको ये डिजाइन पसंद आया नहीं आया, और इजी भी है बनाना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं आपसे किसी एक नई बहुत ही सुंदर से आसान से डिजाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।